हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल टोस्टर बॉयज पे। दुनिया रोस्ट करती है लेकिन हम टोस्ट करते हैं। तो आज हम दिखाएंगे आपको द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर जो कि लॉन्च हुआ और बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। मतलब एक अलग लेवल के सीन बना रहा है, जो कि मैं बोलूँगा एक तरह से आप बोल सकते हो कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा एक जो अनटोल्ड स्टोरी जो हमें छुपाया गया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी है। क्योंकि उस वहाँ के जो कश्मीरी पंडित्स थे उनको जो मारा गया, उनके साथ जो बिहेवियर किया गया, उसके ऊपर ये पूरा मूवी बेस्ड है, जो कि अनुपम खेर जी ने उसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा रोल निभाया है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा ये जो मूवी आ रहा है बहुत बड़ी बात है, तो हमें वो मूवी ज़रूर देखना चाहिए, जाके थिएटर्स में भी चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसका ट्रेलर देखेंगे कैसा है उसका ट्रेलर, और हम उस पर रिएक्शन देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे तगड़े रिएक्शन वीडियोस और ओमेंगल वीडियोस भी आएंगे चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिए। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली। जी, कितने लोगों को मारा होगा? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, ओ भाई और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। मार देते कैसा बंदा है यार? कोई बात नहीं करेंगे, मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस। नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है। कृष्णा, रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। गवर्नर से मिल गई, जहाँ शिव सरस्वती श्री कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. कश्मीर क्या हो रहा है? एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कश्मीर के ऊपर, जो भी ये वीडियो बना हुआ है मुझे लग रहा है एक तरह से आप बोल सकते हो ये जब आप देखोगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि आखिर कश्मीर में डेली लाइफ कैसे जीते थे वहाँ के लोग, क्योंकि कैसे उनके साथ बिहेवियर किया गया। क्योंकि इस मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाला है ये चीज़ का, क्योंकि तुम देख रहे होगे जब तुम ट्रेलर ही देखे इतना ही देर, तभी मुझे लगा कि भाई कश्मीर में क्या लाइफ मतलब थी वहाँ की, जब इस टाइप का वो माहौल होता था वहाँ पे, कितने ज़्यादा डर के माहौल बना होगा जब वहाँ पे कश्मीर पंडित के साथ देख रहे हैं यार। वही ना, मतलब एक एक पॉइंट मतलब वहाँ पे कैसे आदमी सर्वाइव करते थे, पूरा पॉइंट पूरा एक्सप्लोर किया गया, पूरा सच बताया गया ताकि लोग जाने क्या हुआ था कश्मीर में। नहीं, इसके लिए तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा इस सब के ऊपर हो रहा है, तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो कश्मीर है वो एक पूरा जो हेवन है उसके लिए जाना जाता है। क्योंकि कश्मीर हमेशा फेमस है अपने ब्यूटी के लिए, और वहाँ पर ही अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है। किसी एक धर्म के लिए मतलब किसी एक धर्म को अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। सबको एक बराबर मान के चलो यार। बिल्कुल। ओ भाई, देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत, विनाश। मौत के डर से मैं भी कायर बन गया, और मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी खामोश रहने के लिए। सही बात है भाई। I will never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. जाने
क्या बोले यार, रोना आ रहा है यार। अगर हम लोग वहाँ पे होते तो कैसा, मतलब क्या बोले, मतलब मतलब अगर इस मूवी की पूरी अगर थीम की बात करो, बहुत ज़्यादा ओपी मूवी बनाया गया है। मतलब रिएक्शन की बात करो तो भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा। मतलब मैं रिएक्शन क्या दूँ इस मूवी के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग लेवल की सीन है। बिल्कुल, तो रोना ही रोना आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी जगह पर ऐसा सीन हो रहा है तो वहाँ के लोग के साथ क्या हो रहा होगा, लोगों के साथ कैसा बीत रहा होगा, अंदर से एक खौफ कैसा होगा, डर कैसा होगा। जब आप कभी ये चीज़ सोचोगे तो आपको अंदर से ही फील होगा जो नहीं यार, बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे लाइफ जी रहे हैं और जो वहाँ पे लाइफ जी रहे हैं, वो दोनों में बहुत डिफरेंस था। अब तो बहुत हद तक सही हुआ है सब कुछ, लेकिन पहले की जो भी बात थी वो बहुत बहुत ज़्यादा अलग सीन था। तो गाइस प्लीज़ इस मूवी को जाके आप चेकआउट कर सकते हो अपने सिनेमाज में, और बहुत सही मूवी लगा मुझे, और बहुत अच्छा और बहुत सही मूवी है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर कैसे वो लोग सर्वाइव किए, कैसे क्या करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप एक स्टोरी बनने वाली है इस मूवी। तो आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कर सकते हो अपने अपने पास के सिनेमाज में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यार रोना आ जाएगा यार, क्या बोले, छोड़ो। नहीं सच में इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। बहुत ज़्यादा तरक्तव रखता है एक वीडियो के साथ फिर से। तो गाइस अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी बहुत सारी वीडियोज़ का, तो अभी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि न्यू जो भी रिएक्शन वीडियोज़ होंगी वो आपको तुरंत मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।